कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसमें आपको चेंज करना चाहते हो, जैसे कोई सी या सी प्लस प्लस है, जावा का कोई सर्टिफिकेट है उसमें कुछ चेंजमेंट आप करना चाहते हो कि आपने 3 महीने किया है तो 6 महीने का हो जाए, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, सिंपल सा और छोटे वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि उसमें जो ऑनलाइन जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका रिजल्ट, आपका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं जो कि गवर्नमेंट पोर्टल्स पे एक्सेस होती हैं और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल्स के पास एक्सेस होता है। अब वो चीज़ें आपके पास, सपोज एक सॉफ्ट कॉपी है या एक हार्ड कॉपी है आपके पास जो कि आपके इंस्टीट्यूट से मिली है, क्या आपने 2021 से 2022 में ये सर्टिफिकेट कंप्लीट किया, और वो आपके पास सिर्फ हार्ड कॉपी दिखाने के लिए और वो ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, तो आप उसमें कुछ भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ भी चेंजेस आपने 19 से 21 का दिखाना है 19 से 21 का दिखा दो, 18 से 21 का दिखाना है 18 से 21 का दिखा दो, बट वो अपने लिए एलिजिबल होना चाहिए। अगर आपने 3 साल जावा सीखा है और आपने 3 साल उसमें दिखा रखा है सर्टिफिकेट, सपोज आपने 3 महीने सीखा है और इसके बाद में आपने सर्टिफिकेट में 3 साल दिखा रखा, तो आपको क्या सच में उतना जावा का नॉलेज है या कोई और टेक्नोलॉजी है? अगर पीएचपी है, आपने अगर पीएचपी 3 महीने सीखा, आपने 3 साल दिखा रखा है, क्या सच में आपके अंदर आपको पीएचपी की उतनी नॉलेज है? क्या आप पीएचपी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो? तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ भी चेंजमेंट करते हो किसी भी हार्ड कॉपी में, क्योंकि क्या है, इन द लास्ट जब आप उसको जस्टिफाई करते हो, जब इंटरव्यूअर को दिखाते हो वो चीज़ कि हाँ मैंने 1 साल 2 साल 3 साल वहाँ से सीखा हुआ है, और जब वो क्रॉस क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं और आप नहीं बता पाते हो, तो वो 3 साल आपका 1 महीने के बराबर होता है, मतलब उस चीज़ को नहीं माना जाता है कि आपने उतना किया। फिर आपका बेस आता है सिर्फ कि क्या आपने इंटरव्यू में बताया और क्या चीज़ें आपने वहाँ पे बोली हैं, कितना टैलेंट है, वो फिर उस बेस पे हो जाता है। बाकी वॉट एवर, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो आप आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, बट उतने एलिजिबल आप हो जितना आप उस पे डाल रहे हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।